अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 39 न्यूज। नजर डालते हैं आज की न्यूज पर। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे से। पाकिस्तान कल्चरल सोसाइटी स्टॉकहोम के जेर एहतमाम तम्बा स्कूल में सजा ईद फेस्टिवल मेला, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। ईद फेस्टिवल मेले में सफीर पाकिस्तान डॉक्टर जहूर अहमद की शिरकत ने चार चांद लगा दिए। ईद फेस्टिवल को लोगों ने बेहतरीन आउटिंग करार दिया और कहा कि ऐसे इवेंट्स और होने चाहिए। स्टेज पर बच्चों, बड़ों और खवातीन ने रंग बिरंगे प्रोग्राम पेश किए। मेले में पाकिस्तानी कल्चरल फूड के स्टॉल्स लोगों की तवज्जो का मरकज बने रहे। ईद फेस्टिवल से इजहार ख्याल करते हुए सफीर पाकिस्तान डॉक्टर जहूर अहमद का कहना था कि इस किस्म की तकरीबात खसूसी अहमियत की हामिल होती हैं, जहां दियारे गैर में रहने वाले पाकिस्तानियों और बिलखसूस बच्चों को अपनी सकाफत, कल्चर और रवायात से रोशनास करवाया जाता है। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि पाकिस्तानी अब बहुत सारे शोबों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी वजह से पाकिस्तान की इज्जत है। पाकिस्तान कल्चरल सोसाइटी के सदर और हाई कोर्ट के एजाजी जज लियाकत अली खान ने इस बात का इरादा किया कि सोसाइटी हमेशा की तरह इस नोयत के प्रोग्राम पेश करती रहेगी, जहाँ बच्चों और नौजवानों को पाकिस्तानी सकाफत से करीब लाने के मौके मिलते रहें। हमारे बच्चों के लिए हमारी सकाफत को जिंदा रखना दियारे गैर में ये एक बड़ा मुश्किल काम है और हमारी यही कोशिश होती है, यही सही होती है कि हम इस तरह के प्रोग्राम करते रहे। आखिर में सफीर पाकिस्तान ने मुख्तलिफ मुकाबलों में जीतने वालों में इनामात तकसीम किए और लियाकत अली खान ने आने वाले शुरका का शुक्रिया अदा किया। अंसर बसरा, नुमाइंदा खसूसी, 39 न्यूज HD स्वीडन। अहम इश्यूज हो या मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसों से मुस्तफीद होने के लिए अभी हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हर टाइम ओवरसीज पाकिस्तानियों के हालात और मसाइल के हल को जानने के लिए हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम कर रहे हैं आपको हर लम्हा बाखबर, क्योंकि है 39 न्यूज़ पर आपका एतबार।